सो गाइज हमारा फाइनली रोड टू HSF स्टार्ट होता है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे भाई बोल रहे थे कि भाई क्या आप इस साल HSF में कम्पीट करने वाले हो, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जो कि हमारे जीत सलाल सर की तरफ से हो रहा है। सो मेरे काफ़ी सारे मेरे भाई पूछ रहे थे, जैसे कि मैंने पिछले साल मैंने जो ट्राई किया था कम्पीट करने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण, वो प्रॉब्लम आप लोग जानते ही हो, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था, मैंने टिकट तक बुक करा लिया था, हमारे साथ मेरी प्यारी बाबू पोपी भी जा रही थी, लेकिन एम वक्त पे ही, एम मौके पे ही अचानक से बिहार में ज़्यादातर स्टेट में अग्निपथ स्ट्राइक हो गया और उसके कारण सारे ट्रेन्स वगैरह जो है कैंसिल हो गए थे। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस साल मैं फाइनली HSF में मैं कम्पीट करने वाला हूँ। ओके, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा मैं मोटिवेटेड हूँ इस बार, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट जो मैं देख रहा हूँ ना इतने दिनों से, कि भाई आप कम्पीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, भाई टीनेज बॉडी बिल्डिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आपने बोला था। सो मेरे भाई यस, इस साल मैं HSF में मैं कम्पीट करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो स्टे कनेक्टेड, एंड इसीलिए मैं इतने दिनों से मैं वीडियो में नहीं डाल रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो लेट्स गो, आज से मैं अपना पूरा प्रेप मोड में मैं ऑन होने वाला हूँ। एंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 वीक्स बच रहा है, यानी कि लगभग 56 डेज मान के चलो हमारे पास जो बच रहा है। सो अब हमें अपना 100% देना है अपने डाइट पे, अपने वर्कआउट पे, सभी चीज़ पे, एंड सारा अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे आपको मिलते रहेगा। सो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और वैसे भी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, उन लोग को पता ही होगा कि मैंने रोड टू HSF अनाउंस कर दिया है। ओके, सो लेट्स गो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो भी मेरे भाई दिल्ली से हैं, उन सभी से सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी से मैं आ रहा हूँ मिलने न्यू दिल्ली प्रगति मैदान, 10th and 11th June को मैं वहाँ आ रहा हूँ कम्पीट करने। सो मैं चाहूँगा जितने भी मेरे भाई लोग वहाँ से मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वहाँ भी आना, मुझे सपोर्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। दिल्ली में मीटअप करेंगे 10th and 11th June। ओके, सो अब जल्दी से जिम चलते हैं, क्योंकि अब मुझे अपने वर्कआउट पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे ध्यान देना है, फोकस करना है, अपने डाइट पे, वर्कआउट पे, कार्डियो पे पूरा अपना 100% देना है। देखो, जीतना ना जीतना वो मुझे मैटर नहीं करता, बस मेरा यही है कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन लेके जाना है। जैसा कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं स्किनी से मैंने इतना अच्छा खासा मैंने जो साइज़ गेन किया, पिछले साल HSF के टाइम मेरा बॉडी वेट था 62, अभी मेरा बॉडी वेट है 70 kg। तो आप देख रहे हो, हमेशा खुद से कंपटीशन रखोगे ना तो आपको प्रोग्रेस करने पे भी आपको मज़ा आएगा, वरना फिर वहाँ पे तो और भी तगड़े तगड़े लोग हैं, जैसे कि डियोन भैया हो गए, दीक्षांत भैया हो गए, फिर अबर तो मंगाल भैया भी करके कोई आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं। सो मेरा किसी से भी मेरा जो कंपटीशन नहीं है, मेरा बस यही है कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन लेके जाना है, एंड टीनेज बॉडी बिल्डिंग को भी दिखाना है लोगों के सामने कि नेचुरली आप टीनेज में भी आप जो बहुत ही अच्छा आप जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो। मैंने जिम के लिए सारा सामान मैं जो छत पे ही मैं लेके आ गया था, क्योंकि मुझे जल्दी मुझे जिम जाना है। ओके, एंड कल से तो मैं मॉर्निंग में मैं जिम जाऊँगा, अभी तो शाम के 4:30 हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो, जिम चलते हैं एंड एक तगड़ा वर्कआउट करते हैं, बाकी का बातचीत हम लोग वहाँ पे लोग करेंगे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग अभी जिम आ चुके हैं, आप देख सकते हो जिम में अभी कोई भी नहीं है। सो लोग जब तक आते हैं तब तक हम लोग अपना जो वर्कआउट आधा हम लोग जो कंप्लीट कर देते हैं, आधा तो नहीं होगा लेकिन अपना कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वर्कआउट को, ईयरफोन्स लगाते हैं एंड अपने वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। एंड एक और बात, मेरे पास कोई भी अभी रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, सो आज जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो मैं खुद ही ट्राईपॉड या फिर इन सभी चीज़ों पे रख रख के मैं खुद से ही करूँगा, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ बैठाया है कि अगर मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ मुझे नहीं करना है, मैं खुद से ही मैं रिकॉर्ड करूँगा और अपने जनता, अपने व्यूअर, अपने ऑडियंस को वीडियो दिखाऊँगा। ओके, सो लेट्स गो, अपने प्रोग्रेस को हर दिन मुझे जो ट्रैक करना है इस वीडियो के थ्रू, इंस्टाग्राम के स्टोरी के थ्रू, सो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाना। ओके, लेट्स गो, आज हम लोग हिट करने वाले हैं चेस्ट एंड बैक वर्कआउट। ओके, सो बहुत ही तगड़ा पंप मिलेगा, लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। I won't stop, I'm here to get what I want, I'm not lost, I'm here to make it to the top, I'll take a shot, I'll overpower any boss, cause I am not, let's go, that you would wanna cross. I move quietly, like a shadow, there's a dark side to me, I work privately, to go build and create my own dynasty. ओके, सो गाइज, हमारा जो सबसे पहला एक्सरसाइज होने वाला है वो होने वाला है हमारा फ्लैट डंबल बेंच प्रेस। ओके, एंड यहाँ पे आज मैं ज़्यादा हेवी में नहीं जा रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं 40 kg के साथ मैं आराम से मैं रेपिटेशन में निकाल लेता हूँ, लेकिन आज हम लोग 35 kg के साथ ही हम लोग थोड़ा और ज़्यादा हम लोग रेपिटेशन हम लोग निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारा बैक और चेस्ट दोनों के दोनों है। ओके, सो सबसे पहला एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं, मैंने वार्म अप सेट जो है कंप्लीट कर दिया, ये हमारा सबसे पहला सेट है। ओके, लेट्स गो। Oh.
मैंने सपोर्ट के लिए भी कोई नहीं है, इसलिए मुझे खुद से ही लेना पड़ रहा है, वरना फिर मैं किसी और से मिल लेता हूँ। ओके लेट्स गो। They just slow me down and my progress suffers. It's not you, it's me. But really I just work much better when I'm free. I don't do things for the hell of it. I do things that I do for the benefit. I make moves that'll make me relevant. I've been telling them, you just gotta work hard, play hard, punch that race card, move fast, take charge, do that, make art, move past fake cards, lose that hate card, and never give up when the gun goes race start. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not someone that you would wanna cross. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. तो गाइज़ आई रियली 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 सॉरी, क्योंकि मैंने अपना वर्कआउट पूरी तरीके से जो है कम्प्लीट कर लिया है एंड मैंने अपना वर्कआउट जो टोटल रिकॉर्ड नहीं किया। इसके दो रीज़न है। नंबर वन, मेरा बैटरी डिस्चार्ज था एंड देन तो भी मैंने सोच रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर लूँगा अपना वर्कआउट। देन फिर मैंने रिकॉर्ड करने का जब कोशिश किया तब एक और बाई चांस, बाई लक, बाई बैड लक, आप कुछ भी बोलो, मेरे फ़ोन का स्टोरेज ही ख़त्म हो गया। फिर मैं सोचने लग गया कि अगर मैं स्टोरेज अगर मैं क्लियर करने लग जाऊंगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। तब मेरे दिमाग ने बोला भाई इन सभी चीज़ों को हटाओ और अपना वर्कआउट करो अपने फोकस से, वरना फिर तुम गाना भी नहीं सुन पाओगे एंड तुम्हारा फोकस लेवल जो है डाउन हो जाएगा। सो भाई लोग सॉरी, आज मैंने लगभग 8-10 के लगभग मैंने जो टोटल मैंने वर्कआउट किया। ओके सो एक प्रॉपर वर्कआउट के ऊपर भी मैं अपना कि मेरा अभी जो प्रॉपर वर्कआउट रूटीन क्या है इसके ऊपर भी मैं जल्द मैं वीडियो लाऊंगा एंड मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ पूरे अच्छे तरीके से मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। ओके सो ये रोड टू HSF का एपिसोड 1 है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना एंड मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग आ रहे हैं न्यू दिल्ली में मुझसे मिलने 10th एंड 11th जून को प्रगति मैदान में। ओके सो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप हो कि नहीं मुझे बताना। ओके सो लेट्स गो, जल्द मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन की फसल फॉर यू मसल।